Hello students, welcome back to our English class. Today we are going to start a new chapter from our Beehive book and the name of the chapter is Packing. Okay, तो ये जो हमारी कहानी है Packing, basically ये एक novel का part है, जिस novel का नाम है Three Men in a Boat. Okay, तो देखते हैं इस story को क्या होता है जब पैकिंग की जाती है. सो बिफोर वी रीड, डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स? क्या आपको ट्रिप्स पर जाना पसंद है? व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू एंजॉय मोस्ट? आपको किस तरह की ट्रिप्स ज़्यादा अच्छी लगती है? रोड ट्रिप अच्छी लगती है या फिर आपको बोट ट्रिप अच्छी लगती है कि भाई समुद्र में बाय सी हम ट्रैवल करें, ट्रिप पर जाएं? So everyone has their different opinions. How do you feel about having to pack for a trip? अच्छा, जब किसी ट्रिप पर जाना हो और आपको पैकिंग करनी पड़े तो उस पैकिंग के बारे में आपको कैसा लगता है? मैं अगर मेरी पर्सनली मैं बात करूं तो फॉर मी पैकिंग इज अ वेरी टायरिंग जॉब. बहुत टायरिंग काम है ये पैकिंग करने का, है ना. मुझे बहुत बुरा लगता है पर्सनली. और इनफैक्ट जब मैं अकेला कहीं ट्रिप पर जा रहा होता हूँ तो व्हाट आई यूज़ टू डू, आई कीप अ बैग, अपना एक शोल्डर बैग मैं लेता हूँ, उसमें अपने कुछ क्लोथ्स रखे, कुछ बेसिक जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को रखा एंड आई यूज़ टू गो ऑन अ ट्रिप. मैं अपने साथ कोई बहुत ज़्यादा लगेज लेकर ट्रैवल नहीं करता. सो दैट हेयर अगेन एवरीवन हैज देयर डिफरेंट आंसर्स. हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन अ ट्रिप दैट यू हैव फॉरगॉटन टू पैक अ फ्यू थिंग्स यू वेरी मच नीड और दैट यू कैन नॉट फाइंड देम इजीली? अच्छा, क्या पैकिंग करते समय आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने पैकिंग कर ली हो और फिर आपको पता लगा हो कि आपने कुछ ऐसी चीज पैक कर दी है जो आपको पैक नहीं करनी थी, जिसकी आपको अभी जरूरत है? या फिर कभी ऐसा हुआ कि आप पैकिंग करके किसी ट्रिप पर गए और जब वहां पर आपने अपना सामान लगेज ओपन किया तो आपको पता लगा कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप भूल गए हैं? नॉर्मली ऐसा भी होता है. डज दिस मेक यू एंग्री और डज इट मेक यू लाफ एट योरसेल्फ? अच्छा, जब ऐसा होता है तो क्या होता है, आपको अपने ऊपर गुस्सा आता है या अपने ऊपर हंसी आती है कि मैं कितना बेवकूफ हूं, काम की चीज तो लाया ही नहीं? ठीक है, तो अब यहां पर भी हर किसी का ओपिनियन, हर किसी का आंसर अलग अलग हो सकता है. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी को. नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड पैक. तो यहां पर हमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कैसे हमारे जो ऑथर हैं और उनके फ्रेंड्स पैकिंग करते हैं. स्टार्ट करते हैं. आई सेड आई वुड पैक. जो हमारा ऑथर है, ऑथर कहता है कि देखो पैकिंग मेरे पे छोड़ दो, आई विल सी. आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. हमारे ऑथर को बड़ा प्राउड फील होता है अपनी पैकिंग स्किल्स पर. उसे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा पैकर है, उसको उससे अच्छी पैकिंग कोई नहीं कर सकता. पैकिंग is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. ठीक है, author को ऐसा लगता है कि packing एक ऐसी चीज है जो शायद वो दुनिया में और दूसरे लोगों से बेहतर तरीके से जानता है और कर सकता है. It surprises me myself sometimes how many such things there are. और वो कहता है कि कभी कभी तो मैं खुद हैरान हो जाता हूँ ये सोचकर कि इस दुनिया में ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो मैं और दूसरे लोगों से बहुत अच्छे से कर सकता हूँ. आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी. तो नरेटर ने क्या किया, हमारे ऑथर ने क्या किया, हमारे ऑथर ने अपने फ्रेंड्स, ठीक है, क्या नाम है फ्रेंड्स का, जॉर्ज एंड हैरिस, उनको कहा कि लुक लीव दिस मैटर ऑफ पैकिंग एंटायरली ऑन मी. ये पैकिंग वाला मैटर तुम मुझ पे छोड़ दो, ये मैं देख लूंगा. ठीक है, दे फेल इनटू द सजेशन विद अ रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट. अब सरप्राइजिंगली हमारे ऑथर के जो फ्रेंड्स थे वो तुरंत इस बात के लिए एग्री हो गए.
अब अगर आप अपने फ्रेंड्स को कोई बात कहें और वो बिना आर्ग्यू करे एकदम से तुरंत उस बात को मान जाएं, तो हमें भी ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, राइट? क्योंकि हमें हमारे फ्रेंड्स पे पूरा भरोसा है कि हमारे फ्रेंड्स इतने शरीफ नहीं हो सकते कि हम उन्हें कोई बात कहें और वो तुरंत उस बात को मान जाएं। तो ऑथर को एकदम से ऐसा लगता है कि ये जॉर्ज और हैरिस मेरी बात को इतनी आसानी से मान गए, कुछ तो गड़बड़ है। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल। और जॉर्ज ने क्या किया, वो आराम से एक इजी चेयर पे फैल गया और हैरिस ने भी ऑथर की बात को मानते हुए अपने पैर ऊपर टेबल पे रख दिए और वो भी आराम से रिलैक्स होकर बैठ गया कि भाई ठीक है, तुम ही ने कहा है पैकिंग का काम तुम पर छोड़ दो, तो हमने पैकिंग का काम तुम्हारे पर छोड़ दिया, तुम करो पूरी पैकिंग। ठीक है, तो देख लेते हैं अब कहानी के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स लिख लेते हैं हम, राइट? तो स्टोरी के जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं वो हैं थ्री फ्रेंड्स। ठीक है, कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, क्या क्या नाम है उनका? जॉर्ज, हैरिस और तीसरा है हमारा नरेटर जिसका नाम है जेरोम। ठीक है, जेरोमी कौन है? ऑथर। ठीक है, और ये दोनों कौन है? फ्रेंड्स ऑफ जेरोम। ठीक है, जेरेमी के फ्रेंड्स हैं। अच्छा, अब ये तीनों क्या करते हैं? ठीक है, सो दे डिसाइडेड टू गो ऑन अ बोट ट्रिप। ठीक है, क्या डिसाइड करते हैं ये? ये तीनों डिसाइड करते हैं कि ये बोट से, एक नाव से ट्रिप पर जाएंगे। एंड फॉर दैट दे वर पैकिंग, वो पैकिंग कर रहे थे। ठीक है, चलिए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। सो दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। अब जेरेमी यानी हमारा जो ऑथर है वो कहता है कि मेरा इंटेंशन ये बिल्कुल भी नहीं था कि जॉर्ज और हैरिस बिल्कुल आराम से बैठ जाएं और पैकिंग में मेरी कोई हेल्प ही ना करें। ठीक है, वॉट आई हैड मेंट ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन, आई पुशिंग दैम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओ यू हेयर लेट मी डू इट, देयर यू आर सिंपल इनफ, रियली टीचिंग दैम एज यू माइट से। ठीक है, तो अब जेरोमी यानी जो हमारा ऑथर है, जब ऑथर ने जॉर्ज और हैरिस से कहा कि भाई पैकिंग का काम मेरे ऊपर छोड़ दो, तो उसका इंटेंशन क्या था? उसका इंटेंशन था कि भाई पैकिंग का काम मेरे ऊपर छोड़ दो, मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे पैकिंग करनी है, ठीक है, और तुम क्या करना, पैकिंग करना। बट जॉर्ज और हैरिस ने उसका क्या मतलब निकाला? जॉर्ज और हैरिस ने उसका मतलब निकाला कि पूरा काम मेरे ऊपर छोड़ दो, मतलब सारी पैकिंग कौन करेगा? जेरेमी करेगा। हमें क्या करना है? आराम से बैठना है, राइट? दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी। अब हमारा जो ऑथर था वो इस बात से थोड़ा इरिटेट हो गया, ये दोनों बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहे हैं, बस बैठे हुए हैं। देयर इज नथिंग डस इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। ऑथर कहता है कि मुझे बहुत इरिटेशन होता है जब मैं अकेला कोई काम कर रहा हूं और बाकी लोग जो हैं वो बैठ के उसे देख रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बहुत इरिटेशन होता है, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता कि कोई मेरे सामने काम कर रहा हो और मैं चुपचाप उसको बैठकर देखता रहूं। आई लिव विद अ मैन वंस हु यूज टू मेक मी मैड दैट वे। मैं एक बार ऐसे एक आदमी के साथ रहा रहा हूं
जो इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से मुझे क्या करता था, पागल कर देता था. ही वुड लॉल ऑन द सोफा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आर टुगेदर. वो पूरे टाइम सोफा पर पड़ा रहता था और मुझे क्या करता था, घंटों तक काम करते हुए देखता रहता था. ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट. और क्या कहता था, और कहता था कि उसे बहुत अच्छा लगता है मुझे इस तरीके से काम करता हुआ देखकर. नाउ आई एम नॉट लाइक दैट. ऑथर क्या कह रहा है, अब जेरेमी क्या कह रहा है कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, कि कोई काम करता रहे और मैं बैठकर उसको देखता रहूं. ठीक है, आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग. मैं ऐसे चुपचाप बैठकर किसी दूसरे इंसान को ऐसे काम करते हुए, मजदूरी करते हुए नहीं देख सकता. आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंड. ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मेरी तो इच्छा होती है कि अगर कोई काम कर रहा है तो मैं खड़ा हूँ और उसके काम पर नजर रखूँ. एंड वॉक राउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट, अपने हाथ अपनी जेब में डालकर उसके चारों तरफ घूमूं. एंड टेल हिम वॉट टू डू, और उसे बताऊं कि उसे क्या करना है और क्या नहीं. मतलब ये देखो कितना समझदार है ना, दूसरों को काम करता हुआ देख के खुद काम करने का मन नहीं करता है इसका. इसका मन क्या करता है कि दूसरों को काम करता हुआ देखकर मैं उन्हें बताऊं कि उन्हें कैसे काम करना है. ठीक है, इट इज माई एनर्जेटिक नेचर. और फिर वो आगे क्या कहता है कि ये मेरा एनर्जेटिक नेचर है, आई कांट हेल्प इट, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता. हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग. लेकिन जेरेमी ने जॉर्ज और हैरिस को कुछ नहीं बोला. इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी. अब जितना जेरेमी ने सोचा था उससे ज़्यादा समय लगा उसे इसमें. ठीक है, बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट. ठीक है, लेकिन फाइनली इसने बैग पैक किया. ठीक है, उसके ऊपर बैठ गया और उसको स्ट्रैप कर दिया. ठीक है, लॉक कर दिया. Ain't you going to put the boots in? said Harris. अब जब इसने बैग पैक कर लिया, ठीक है, उसके बाद हैरिस ने क्या कहा, हैरिस ने कहा अरे सुनो, तुम्हें वो बूट्स अंदर नहीं रखने हैं क्या बैग के? ठीक, चलिए. एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम. अब जेरेमी ने पलट के देखा तो इसे रियलाइज हुआ कि हाँ, मैं वो बूट्स अंदर रखना भूल गया हूँ. That's just like Harris. उसे थोड़ा सा गुस्सा भी आता है हैरिस के ऊपर कि हैरिस भी बड़ा अजीब कैरेक्टर है. जब वो देख रहा है कि मैं बैग पैक कर रहा हूँ और उसे पता है बूट्स बाहर हैं, तो बैग पैक करने से पहले भी वो बोल सकता था, है ना, बैग को लॉक करने से पहले भी बोल सकता था. जब बैग लॉक हो गया उसके बाद कह रहा है कि तुमने वो बूट्स अंदर नहीं रखे, बूट्स अंदर रख दो. राइट, चलिए. दैट्स जस्ट लाइक हैरिस. He couldn't have said a word until I got the bag shut and strapped, of course. एक शब्द उसने तब तक नहीं बोला जब तक बैग बंद नहीं हुआ, और बैग बंद होते ही कह रहा है कि वो बूट्स बाहर रह गए. And George laughed, one of those irritating, senseless laughs of his. और ये देखकर जॉर्ज क्या करने लगता है, हंसने लगता है. ठीक है, senseless laugh, irritating, senseless laugh. They do make me so wild. तो ऑथर कहता है कि ये दोनों बिल्कुल मुझे परेशान कर देते हैं. Anyways, I opened the bag and packed the boots in. इसने बैग ओपन किया और अपने बूट्स अंदर पैक किए. And then, just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. और जैसे ही ये बैग को दोबारा बंद करने वाला था, तभी इसके दिमाग में एक horrible, एक खतरनाक आइडिया आया, एक डरावना थॉट आया. अब क्या थॉट आया इसके दिमाग में, देखें. हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक कर दिया है? आई डोंट नो हाउ इट इज, बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश. और वो कहता है कि मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन हर बार मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है या नहीं किया. ठीक है, मैं हमेशा अपने टूथब्रश को लेकर कंफ्यूज रहता हूं. माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट हंट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी.
वो कहता है कि मेरा टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है जो मुझे डराता है जब मैं ट्रैवल करता हूँ और मेरी लाइफ को परेशान कर देता है, परेशान बना देता है। आई ड्रीम दैट आई हैवन्ट पैक्ड इट एंड वेक अप इन अ कोल्ड पर्सपिरेशन। मुझे रात को सपना आता है कि मैंने अपना टूथब्रश पैक नहीं किया और मैं एकदम से डर कर उठ जाता हूँ पसीना पसीना होकर। एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट। पलंग से उठता हूँ, अपना टूथब्रश ढूंढता हूँ। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट। और क्या होता है, जल्दीबाजी में मैं उसको पैक करके सो जाता हूँ और मॉर्निंग में पता लगता है कि टूथब्रश को यूज़ करने से पहले ही मैंने उसे क्या कर दिया, पैक कर दिया। तो मुझे वापस से पैकिंग को अनपैक करना पड़ता है, वापस से टूथब्रश निकालना पड़ता है। ठीक है, सो आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट। एंड इट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट। मेरा टूथब्रश हमेशा वो लास्ट चीज होती है जिसे मैं बैग से निकालता हूँ, यूज करता हूँ, बैग को पैक कर देता हूँ और टूथब्रश को पैक करना भूल जाता हूँ। एंड इट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ। और लास्ट में फाइनली क्या होता है कि मैं हमेशा उस टूथब्रश को भूल जाता हूँ, लास्ट मोमेंट पे मुझे याद आता है, मैं भागते हुए अपने रूम में जाता हूँ, ठीक है, टूथब्रश को उठाता हूँ, उसे अपने हैंडकरचीफ में रैप करके ऐसे ही जेब में रखकर रेलवे स्टेशन तक जाता हूँ। ऑफकोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ एंड ऑफकोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। तो अब जैसे ही इसके दिमाग में ये थॉट आया, ऑफ कोर्स इसे क्या करना पड़ा, अपने पूरे बैग में वो टूथब्रश ढूंढना पड़ा। ठीक है, हर एक एक चीज बाहर निकाल कर ये क्या कर रहा है, उसमें टूथब्रश ढूंढ रहा है कि टूथब्रश है या नहीं। और ऑब्वियसली इसे वो टूथब्रश नहीं मिलता। आई रमज द थिंग्स अप इन टू मच द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड वेन क्योस रीगेन। सारी चीज़ों को इधर उधर फैला देता है ये, बिल्कुल ऐसे, मतलब इधर मतलब ये जो लाइन है हमारी दैट आई रमेज द थिंग्स इन अप इन टू मच द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड एंड वेन क्योस रीगेन। इट्स अ सरकास्टिक कमेंट, ये एक सरकास्टिक कमेंट है। और वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि मैं सारी चीज़ों को इधर उधर फैला देता हूँ जस्ट टू फाइंड दैट वन टूथब्रश, बट स्टिल ही कांट फाइंड दैट। Of course, I found George and Harris's 18 times over, but I couldn't find my own. ठीक है, जॉर्ज और हैरिस का टूथब्रश इसको 18 बार मिल जाता है, बार बार इसके हाथ में आता है, लेकिन इसका खुद का टूथब्रश जिसे ये ढूंढ रहा है वो इसे नहीं मिलता। I put the things back one by one and held everything up एंड शुक इट। ये एक एक करके चीज़ों को वापस बैग के अंदर रखने लगता है, अपने हाथ में उठाकर पहले उनको शुक करके देखता है कि उसमें टूथब्रश तो नहीं है, और फिर वापस से बैग में रखने लगता है। देन आई फाउंड इट इन साइड अ बूट। और फाइनली इसे एक बूट के अंदर अपना टूथब्रश मिलता है। आई रीपैक्ड वंस मोर, और ये एक बार फिर से अपना बैग रीपैक करता है। तो अभी तक कितनी बार बैग ओपन और रीपैक हुआ, सबसे पहले इसने बैग पैक किया, फिर इसे याद आया कि इसने बूट्स नहीं रखे, तो बूट्स रखने के लिए बैग को ओपन करता है, ठीक है, बूट्स अंदर रखता है और बैग पैक करने ही वाला होता है तभी याद आता है कि टूथब्रश गायब है, पता नहीं रखा या नहीं, तो ये टूथब्रश ढूंढने लगता है। एंड फाइनली टूथब्रश ढूंढकर ये अपने बैग को पैक करता है। तो सेकेंड टाइम बैग क्या हुआ है, पैक हुआ है। व्हेन आई हैड फिनिश्ड जॉर्ज आस्क्ड इफ द सोप वॉज इन। अब जब इसने अपना काम खत्म कर लिया, बैग पैक कर लिया, तभी अब जॉर्ज पूछता है, क्या पूछता है जॉर्ज, कि तुमने सोप रख दिया था बैग के अंदर। आई सेड आई डिडंट केयर अ हैंग वेदर द सोप वॉज इन और वेदर इट वॉज इन। ठीक है, ये कहता है कि मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोप इसमें है या नहीं, मैंने पैकिंग कर ली है, पैकिंग खत्म हो गई है, मैटर खत्म, अब मैं दोबारा इसको छेड़छाड़ नहीं करूंगा। ठीक है, एंड आई स्लैम्ड द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड इट। बैग बंद करके उसको स्ट्रैप कर देता है। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माय स्पेक्टिकल्स इन इट एंड हैड टू रीओपन इट। और फिर जब ये बैग पैक कर देता है
तब इसे याद आता है कि इसने बैग में गलती से अपना चश्मा भी पैक कर दिया है, स्पेक्टिकल्स भी पैक कर दिया है, और दोबारा से इसे अपना बैग रीओपन करना पड़ता है और दोबारा रीपैक करना पड़ता है। तो टोटल कितनी बार बैग रीओपन हुआ? 3 बार। सबसे पहले पैक हुआ तो फिर इसे पता लगा कि बूट्स अंदर नहीं है, फिर इसने दोबारा बैग ओपन किया, बूट्स रखे, टूथब्रश रखा, बैग पैक किया सेकेंड टाइम तो पता लगा कि जो उसके स्पेक्टिकल्स हैं वो अंदर रह गए, फिर बैग अनपैक किया और दोबारा से स्पेक्टिकल्स बाहर निकालकर तीसरी बार पैक किया। सो इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM एंड देन देयर रिमेन्ड द हैम्पर्स टू डू। और फाइनली वो बैग कितनी बजे पैक हुआ? रात को 10:05 पर वो बैग पैक हुआ और उसके बाद सिर्फ क्या बचे? हैम्पर्स रह गए पैक होने के लिए। अब हैम्पर्स क्या थे? लार्ज बास्केट्स फॉर कैरिंग फूड, फूड कैरी करने के लिए जो बड़े बड़े बास्केट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है हैम्पर, तो वो हैम्पर बाकी थे। हैरिस सेड दैट वी शुड बी वॉन्टिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स टाइम एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर डू द रेस्ट एंड आई एग्रीड एंड सेट डाउन एंड दे हैड अ गो। अब उसने अपना बैग पैक कर दिया, 10:05 हो गए थे रात के, तभी हैरिस कहता है कि भाई अब देखो हमारे पास 12 घंटे से भी कम टाइम बचा है, तुम्हारी पैकिंग हमने देख ली है कि तुम कैसे पैकिंग करते हो, तो बेहतर यही होगा कि बाकी की पैकिंग मैं और जॉर्ज कर ले, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कल तक पैकिंग ही चलती रहे, ठीक है, तो लेट अस डू द पैकिंग। किसने कहा ये? हैरिस ने। जेरमी जो था उसने भी बिल्कुल बिना कुछ कहे कहा कि हाँ ठीक है बाकी की पैकिंग तुम कर लो, और ये चुपचाप साइड में बैठ गया। दे बिगिन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट, उन्होंने धीरे धीरे चीजों को जमाना स्टार्ट किया, एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसको ये दोनों जेरमी को दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि देखो ऐसे पैकिंग की जाती है। आई मेड नो कमेंट, इसने कोई कमेंट नहीं किया, इसने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है, ये बस चुपचाप उन्हें देखता रहा। आई ओनली वेटेड, सिर्फ इंतजार करता रहा। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड, ठीक है, अगर हम जॉर्ज को छोड़ दें तो हैरिस जो है वो दुनिया का सबसे बुरा पैकर है, ठीक है। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स एंड कैटल्स एंड बॉटल्स एंड जार्स एंड पाइल्स एंड स्टव्स एंड केक्स एंड टमेटोज एक्सेट्रा एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग। तो जेरेमी ने क्या देखा? जेरेमी ने देखा कि हैरिस जो दुनिया का सबसे बुरा पैकर है उसके चारों तरफ क्या लगा हुआ है? ढेर लगा हुआ है। किस किस चीजों का? प्लेट्स का, कप्स का, कैटल्स का, बॉटल का, जार्स का, पाइस का, स्टव का, केक का, टोमेटोज का, सब चीजें उसके चारों तरफ फैली हुई है, और ये समझ गया कि जल्द ही चीजें जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है, अब मजा आएगा जब ये इन सब चीजों को पैक करेगा, क्योंकि पैकिंग करना इसके बस की बात नहीं है। इट डिड, और चीजें जल्दी ही इंटरेस्टिंग हो भी गई। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, इन्होंने पैकिंग की शुरुआत ही कैसे की? अभी कुछ सामान पैक नहीं किया था उससे पहले ही क्या किया? एक कप तोड़ दिया। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, ये सबसे पहली चीज थी जो उन्होंने करी। एक भी सामान हैम्पर के अंदर नहीं रखा और उससे पहले एक कप तोड़ चुके थे। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू वॉट दे कुड डू, और ऐसा उन्होंने सिर्फ किस लिए किया? आपको ये बताने के लिए कि वो क्या कर सकते हैं, एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, और आपको आपका इंटरेस्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं है जानबूझ के तो नहीं किया था उन्होंने, बट ऐसा उनसे वो कप टूट गया। देन हैरिस पैक द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ अ टोमेटो एंड स्क्वॉश डिश। फिर हैरिस ने क्या किया? स्ट्रॉबेरी जैम जो है वो किसके ऊपर रख दिया? टमाटर के ऊपर रख दिया, तो सारे टमाटर पिचक गए, स्ट्रॉबेरी जैम भारी था, नीचे टमाटर थे, उनके ऊपर जैम रख दिया तो टमाटर का कचुंबर निकल गया। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद द स्पून, और फिर चम्मचों से उन्हें वो टमाटर बाहर निकालने पड़े। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, और फिर बारी आई किसकी? जॉर्ज की। एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर, उसने क्या किया? सबसे पहला काम
बटर पे पैर रख दिया। आई डिडंट से एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच देम। इसने कुछ भी नहीं कहा, ये चुपचाप अपनी जगह से उठा, टेबल के किनारे पर आया और वहां बैठ गया इनके पास में और इनको देखने लगा कि हाँ करो पैकिंग करो, मैं देख रहा हूं। ठीक है, एक शब्द भी नहीं कहा। इट इरिटेटेड दैम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड। तो इससे वो और ज्यादा इरिटेट हो गए कि भाई उनसे गलती हो रही थी, ठीक है, वो काम सही से नहीं कर पा रहे थे और ये और आके उनको पास से देखने लगा, तो वो और ज्यादा इरिटेट हो गए। आई फेल्ट दैट, इसने उसको फील भी किया, ठीक है। इट मेड दैम नर्वस एंड एक्साइटेड, वो नर्वस हो गए, एक्साइटेड हो गए। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग, चीजों पे पैर रखने लगे। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड दैम, चीजों को अपने पीछे रख के भूल गए कि वो चीज उनके पीछे रखी है। एंड देन कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम, वो चीजें उन्हें मिल नहीं रही थी। एंड दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, पाई को नीचे बॉटम में पैक कर दिया, उसके ऊपर भारी चीजें रख दी। एंड स्मैश द पाइज इन, और पूरी पाइज को स्मैश कर दिया। तो एक के बाद एक गड़बड़ करने लगे। अब इससे आगे क्या हुआ, उनकी पैकिंग फाइनली कंप्लीट हुई या नहीं हुई, ठीक है, और क्या क्या कारनामे किए जॉर्ज और हैरिस ने, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसको एक बार यहाँ तक दोबारा रीड करिएगा, इसकी वर्कशीट को सॉल्व करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।